बिलासपुर में कांग्रेस के साथ काफी लंबे समय से कार्य कर रहे कमलेंद्र कश्यप व हुसैन अली ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप, जिला उपाध्यक्ष हुसैन अली ने भाजपा के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान के व विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में भाजपा का दामन थामा है। बता दें कि कमलेंद्र कश्यप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हैं। वे नगर परिषद बिलासपुर के कई बार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, जिस कारण दुखी होकर कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर नगर परिषद में इस बार कमल लहराएगा। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व अथाय विकास के लिए किया जा रहा है। वही कमलेंद्र कश्यप ने कहा कि उनका कार्य लोगों की सेवा करना है। कांग्रेस में उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था, काफी समय से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था, उसको लेकर उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए भाजपा का दामन थामा है। जिस तरह वो पहले लोगों की सेवा कर रहे थे, उसी तरह वे यहाँ भी करेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हमारे कमलेंद्र कश्यप जी, जो कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष रहे हैं, इस म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक आपने इस म्युनिसिपैलिटी में आप विभिन्न वार्डों से जीत के आते रहे हैं, आप समाज सेवी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जिस तरह से सहयोग आपस में करते हैं, उससे वह परिचित होकर और इन सब चीज़ों को देख के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस हमारी म्युनिसिपैलिटी में दूसरे हमारे हुसैन अली जी, जो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिला के, समाज सेवी रहे हैं, लंबे समय से उन्होंने भी राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस में काम किया है, वह भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की विचार के साथ जुड़ के भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपने घर को छोड़ना बहुत दिक्कत की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। कोई छोड़ता नहीं, तभी छोड़ते हैं अगर कोई किसी को वहाँ कोई दिक्कत हो या कोई अपना भविष्य के लिए या वहाँ पर उनको कोई वो लगे, इसलिए वो वहाँ से आए हैं। उनके मान सम्मान और उनका ध्यान मैं व्यक्तिगत तौर पर भी रखूँगा और हमारे कार्यकर्ता भी रखेंगे। निश्चित तौर पर उनका जो समाज सेवा का जज्बा है, जो उनकी एक ललक है लोगों में काम करने की, राजनीतिक दृष्टि से भी सामाजिक दृष्टि से भी, निश्चित तौर पर उसका नगरवासियों को भी फायदा होगा, नगर परिषद को फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा निश्चित तौर। हमारा राजनीति में हमारा ध्येय राजनीति में जनता की सेवा है और उसी प्रकल्प को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। जो इस कार्य में हमें सहयोगी है, हम उसके साथ हैं। सर, ऐसा क्या आन पड़ी कि इतने लंबे समय से कांग्रेस में थे और अब भाजपा में आए हैं, क्या कहेंगे? वास्तव में कार्यकर्ताओं को जिस तरह का एक मान सम्मान और प्रोत्साहन जो थोड़ी सी हमें लगा, इसलिए हमने कि हमारा मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारा ध्येय जनता की सेवा है, मानवता की सेवा है, उसी ध्येय को लेकर हमने ये निर्णय लिया और इस कार्य को किया।